हेलो सर, काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे आज। मैंने लाइफ का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया अपना, काफ़ी ओके अच्छा एक्सपीरियंस तो आपका आप तो हरियाणा से हो, था। यस सर, मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ, आप हरियाणा सोनीपत से हो, तो आपके इंटरव्यू कहाँ पे था? रोहतक में था सर, हरियाणा में ही। रोहतक में था, ठीक है। तो मतलब नियर बाई था, उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर नियर बाई था ये, 40-50 किलोमीटर अप्रोक्स। ओके तो आपका आज मेरा ये जो सेशंस है, इस सेशंस में हम लोगों का मोटिव ये रहेगा कि आप जो अपना इंटरव्यू देके आए हो उनका यस सर, एक्सपीरियंस, किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए, बीवी किस तरह हुआ, हर चीज़ों को आप अपनी तरह से कैसे आपने प्रैक्टिकली जो फेस किया आपने वो चीज़ों यस को आप सर, एक्सप्लेन करोगे, ताकि जो कल या जो अपकमिंग इंटरव्यू होने जा रहा है बच्चों को उसमें मदद मिले, और आपका जो एक्सपीरियंस है आपने किस तरह यस चीज़ों को सर, टैकल किया है उस चीज़ों से बच्चे सीखे, एंड जो अपकमिंग एग्जाम से बच्चों का थोड़ा सा मदद मिले, ठीक यस है। सर। तो फर्स्ट मुझे बताइए आपका इंटरव्यू का टाइमिंग कब था? सर मेरा टाइमिंग था 8:30 AM। 8:30 AM का था, यस मतलब सर, रिपोर्टिंग का। यस सर, रिपोर्टिंग टाइम था एट तो आप थर्टी है सर। ओके, तो आप वहां पे 8:30 तक पहुंच गए। नहीं सर, मैं थोड़ा बाय चांस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया तो लेट हो चुका था, तो मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कभी लेट हो गया पैनल वहाँ पे, मैं मतलब पैनलिस्ट में नाम आ चुका हो, पर मैं थोड़ा पैनिक हो रहा था। पर वहाँ पे फिर जाके देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे से ग्राउंड में बिठा रखे थे बाहर, जो वहाँ पे एक ग्राउंड था, पार्क टाइप था, होटल में था हमारा जैसे, तो पार्क में बिठा रखे थे, वहाँ पे बच्चे अपना वेटिंग कर रहे थे अपने नाम का। बाई चांस ये था, अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आगे भी जा, बाई चांस अगर लेट भी हो जाते हैं तो ऐसे कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, आपका नाम दोबारा रिपीट हो सकता है वहाँ पे, इसलिए आप ओके अपना कंफर्टेबल रिलैक्स होके जाइए। ओके, मतलब जैसे 8:30 बजे था, मान लीजिए आप थोड़ा डर गए थे कि यार यस पता सर, मैं थोड़ा लेट हो चुका था नहीं, चले कोई बात नहीं। तो फर्स्ट आपका वहां पे क्या हुआ, मतलब डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखे थे? सर। फर्स्ट में हुआ था जैसे बायोमेट्रिक, जो हमारी मेंस के टाइम पे और प्री टाइम पे बायोमेट्रिक हुई थी, उससे हमारा मैच किया, जैसे मेरा 100% मैच हो गया था थंब बायोमेट्रिक में। फिर उसके बाद उन्होंने 10th की मार्कशीट प्लस फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट प्लस फोटोकॉपी, और ऐसी डिग्री या जो भी आपने किया डिग्री आपके पास है, जो मार्कशीट है कंसोलिडेटेड, उनमें से दोनों की फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी, और फिर सारे सेमेस्टर, हर जितनी भी आपके सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर की फोटोकॉपी प्लस उनकी मार्कशीट सब वेरीफाई होगा, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड सबकी फोटोकॉपी एंड यू। उन्होंने फिर हमसे और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, कॉल लेटर जो हमारे पास आया था, कॉल लेटर पे अपने फोटो चिपका लिए, उस पर अटैच कर लीजिए उसको अटेस्टेड, और वहाँ पे अपने जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे हम मेंस में और प्री में भरते हैं कि वहाँ पे एक लाइन दी होती है जिसका हैंड राइटिंग सैम्पल वैसा भरना था। फिर और ऐसी सारी अपनी जितनी भी फोटोकॉपी होते हैं वो आपसे पहले कह देते हैं कि आप इनको अपना सेल्फ अटेस्ट कर लो, मतलब सब पे साइन कर लो अपना। और वो किया सर उन्होंने, वेरीफाई किया, फिर उसके बाद हमारा डीबी हो चुका था। फिर हमें उन्होंने अंदर की तरफ एक सर ले गए थे, वहाँ पे मेरे से पहले 3 बच्चे और बैठे थे, मेरा पैनल फर्स्ट था, टोटल 3 पैनल थे हमारे, तो ओके, थ्री मेरा पैनल थे, आपका पैनल फर्स्ट था। यस सर, तो वहाँ पे अंदर ले गए थे, तो मेरा फोर्थ नंबर था, मैं वहाँ पे सर ने बिठा दिया था, तो वहाँ पे बैठे थे सर। जैसे मैं थोड़ा फर्स्ट टाइम था लाइफ में, फर्स्ट टाइम ही मैंने इंटरव्यू दिया, तो थोड़ा नर्वस तो हो ही रहा था सर। तो वहाँ पे जो सर थे हमारे पैनल पे आगे, जो बच्चों को मतलब डॉक्यूमेंट्स अंदर प्रोवाइड करा रहे थे उनको और हमको देख रहे थे, वो मेरे के बोले रिलैक्स होकर बैठ जाओ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वहाँ पे इतना वो नहीं होगा, वो ना आपको वो जानते ना हमें जानते हैं, आप रिलैक्स रहिए, यहाँ पे आपको बस कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, आपकी नॉलेज कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपना रिलैक्स रह के अपना बेस्ट कॉन्फिडेंस से दीजिए। तो सर ये मतलब पैनल में जो पैनल इंटरव्यू ले ले रहे थे वही टीचर ने आके बोला, वही सर ने आके बोला? नहीं सर, जो बाहर खड़े थे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लाइन में बिठा रखा था, वो वहाँ के RRB के ही थे सर, वो जैसे RRB का आरआरबी इंटरव्यू के, था तो RRB के ही थे वो, तो तो उन्होंने आप वहाँ चार पे नंबर ना पे थे, आपका सीरियल नंबर। यस सर, मैं फोर्थ नंबर था मेरा, टोटल मैं कितना स्टूडेंट थे? तो मेरे पैनल में 25 थे, टोटल 3 पैनल थे, तो अप्रोक्स हमारे 76-77 75-76 टोटल एस्पिरेंट थे, उसमें से आपका पैनल का 25 आउट ऑफ 25, अब 4 नंबर पे थे। तो थे। यस सर, ओके, तो आपका एंट्री 4 नंबर, तो फर्स्ट आपका एंट्री हुआ। तो यस सर, फर्स्ट एंट्री करने के बाद आपको कैसा लगा, मतलब जब आप एंट्री कर रहे थे तब कैसा लगा? सर एंट्री में जैसे पहले तो मैंने थोड़ा अच्छा अपने माइंड माउथ पे स्माइल रखी और उनसे परमिशन ली, कम इन की मैं कम इन सर, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दी, तो फिर मैंने थोड़ा सा उनको अच्छा वो मतलब गेट को क्लोज किया ताकि उनको अच्छा लगे कि हम ऐसे गेट को खुला छोड़ के नहीं आ रहे, तो हम उस गेट को हल्का सा पीछे गेट को क्लोज करके फिर गया, तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश की, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, उन्होंने कहा बैठ जाइए, तो मैंने उनको थैंक यू गेस्ट विश थैंक यू किया सर। फिर वहाँ पे एक आगे सर बैठे थे जैसे, तो उन्होंने मतलब इंट्रोडक्शन को तो नहीं कहा था हमें कि अपना इंट्रोडक्शन, तो पर वैसे उनके पास हमारी फाइल थी, तो बोले कि आपका नाम अंश है, मगर यस सर, बोले
बोले इसका, फिर उन्होंने इसका मीनिंग पूछा कि इसका मीनिंग बताओ, तो मैंने बता दिया इसका मीनिंग, जैसे मेरा नाम अंश है तो ये होता है किसी का पार्ट होना। फिर उन्होंने इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि अगर आप किसी का पार्ट हो इसका मतलब तो आप अधूरे हो। तो फिर मैंने इसको किया कि नहीं सर ऐसे नहीं है कि मैं अधूरा हूँ, मैं एक खुद पार्ट हूँ, बल्कि सर जैसे माइंड, हमारा माइंड होता है वो भी हमारा बॉडी का पार्ट है, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यस, मैं किसी और चीज़ के साथ लग के उसको पूरा करने में पूरा करता कैपेबल है हूँ। तो मतलब यस सही है, सर, तो मतलब मैंने, आप, मैंने मतलब पहला बॉल में सिक्सर मार दिया आपने। यस सर, तो ये क्वेश्चन लेकिन हम लोग जो मॉक लिए थे इसमें भी हम लोगों ने कई बार पूछे थे आपसे। सर मोस्टली जो मेरे इस, अब आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्टली उसमें से 90% मॉक में थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ही हूँ, ऐसे ही था सर। वही है मतलब हम लोग जो मॉक में डिस्कस किए थे मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पूछे यस थे, सर, वही थे सर, इसी टाइप का वही बिल्कुल, था। यस उसके सर। बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये बेटा, उसके बाद क्या क्या पूछा आपसे? उन्होंने मुझसे पूछा आपके फादर क्या करते हैं, ओके तो हाँ फिर मैंने बताया मेरे फादर जैसे डेयरी, हमारी डेयरी बारे में, तो फिर उन्होंने डेयरी से रिलेटेड मुझसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे क्रॉस क्वेश्चनिंग की, तो मैंने उनका आंसर दे दिया था, वर्क वगैरह से था तो मैंने उनको क्वेश्चन दे दिया था आंसर। फिर वो जैसे मेरी ग्रेजुएशन पे आ गया, आपने क्या किया है, मैंने बताया मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो उन्होंने फिर ये पूछा कि आपने बीटेक किया तो फिर आप अब इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो, ये तो तो फिर कॉमन मैंने, क्वेश्चन था, हम लोग भी ये कई बार कॉमन पूछते क्वेश्चन था, इसका तो बेस्ट हैं। प्रिपेयर करा रखा था सर आपने, हाँ तो ये कॉमन क्वेश्चन था ही, तो मैंने सच्चा आंसर दे दिया, वो भी सेटिस्फाई लग रहे थे उनके माउथ से कि हाँ सेटिस्फाई है। तो फिर उन्होंने मुझसे भी थोड़े बहुत मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे, फिर वो बोले आपको बैंकिंग का क्या आता है, मतलब क्या पढ़ के आया बैंकिंग, तो मैंने कहा सर मैं बेसिक सब नॉर्मल बेसिक सारा बैंकिंग का करके आया हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे लोन के बारे में पूछा, लोन्स क्या होता है, मैंने उसके लोन के बारे में बताया, फिर उन्होंने मुझसे लोन के पूछने बोले लोन और लोन के बारे एडवांस, में भी तो हम लोगों ने ग्रुप में डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था। यस सर, कल हमने कल भी किया था, इससे पहले हाँ भी किया हुआ लोन के बारे में। हाँ फिर उन्हें जैसे ये कहा सर कि लोन हो गया और एडवांसेस हो गए तो ये सेम होते हैं, मैंने इसका बता दिया कि नहीं सर ये थोड़े डिफरेंस वगैरह होता है इनमें, तो उन्होंने इसका डिफरेंस पूछा, मैंने बता दिया। मोस्टली सर फिर ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं अब तक बता रहा हूँ वैसे तो सारे मेरे पे था, आपने करा ही रखे थे मोस्टली, तो सारे तो फिर ये हो गए थे सर। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था, फिर जैसे थोड़े बहुत लोन्स के बारे में, बीटेक के बारे में पूछा था, इससे हो गया था सर के 7-8 क्वेश्चन हो गए थे, फिर सर ने छोड़ दिया था मुझे, फिर ओके सर ने दूसरे मतलब दूसरे सर के पास पास कर दिया। ओके 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 तो फिर दूसरे सर ने मेरी बस ग्रेजुएशन से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, ए सी डी सी में क्या डिफरेंस होता है, एसीडीसी ये मतलब वो बीटेक का अल्ट, बैकग्राउंड से। ये सर वो मेरी डिग्री से था, ए सी डी सी ओके इलेक्ट्रिक मतलब, और फिर कि घरों में कौन सी बिजली आती है, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल से था तो उन्होंने घरों में कौन सी बिजली आती है, 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे। फिर ओके उसके बाद उन्होंने थर्ड पैनलिस्ट में मैम बैठी थी, उन्होंने मैम को ट्रांसफर किया, तो मैम ने मेरे को दिया सिचुएशन बेस्ड, जो मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया कि अगर हम आपको एक दिन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं तो हाँ आप क्या करोगे। हाँ तो सर देखो फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं नर्वस तो हल्का हल्का था ही, तो इतना मेरा माइंड भी इतना अच्छे वर्क नहीं कर पाया कि मैं उसको बेस्ट आंसर दे पाऊँ, तो मैं हाँ जैसे बोलने लगा कि मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्या कमी है, तो उन्होंने उस टाइम पे सर ने मेरे को बोला कमी तो आपको भी पता होनी चाहिए, कमी तो आपको भी पता होनी चाहिए क्या है, बस आप उसका आंसर बताइए कि आप अभी बन जाते हो तो क्या करोगे आप। तो आपने क्या बोला इसके लिए? तो सर मैंने नहीं कर पाया, तो मैंने सर मैम को कहा सॉरी मैम अभी मैं इस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, या मैं फिर तो क्या रिकॉल करूँ। नहीं होगा, मतलब इस चीज को आप, मतलब एक तरीके से ये भी बोल सकते थे कि सर सर अभी कभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, तो जैसे अगर मुझे इसके लिए, अगर मुझे अगर पहले पता होता है, अगर इसके लिए मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, अगर उसके बाद मुझे एक मौका मिलता है, देन मैं इसके इसके लिए मैं बेटर वर्क कर सकता हूँ। अभी मैं कभी मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, तो सडनली अगर मुझे ये पद दिया जाता है तो मुझे सर पहले सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज मेरे लिए करना ये पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज अब कभी मैंने इसके बारे में 1% भी, मैंने अपना लाइफ का जितना टाइम मैंने स्पेंड किया है, 1% 0.01% भी मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो जी सर, मुझे अभी बोलना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सॉरी ये बेस्ट आंसर हो सकता था सर, हाँ पर मैं मतलब उस कोई टाइम पे नहीं, इसको कर नहीं आपने पाया। आपने तो मतलब ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था ना, तो यस सर, हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं। यस तो सर। तो उसके फिर बाद मैम ने तो यही क्वेश्चन पूछा था, फिर मैम ने सर को पास कर दिया दूसरे वाले सर को, फोर्थ में पैनल में से उन्होंने मुझसे पूछा जैसे माई सिटी के बारे में पूछा, कि जैसे सिटी से रिलेटेड बैकग्राउंड पूछा कि इसकी हिस्टोरी क्या प्रेफरेंस थी, तो माँ बाप से रिलेटेड थी हमारी, तो मैंने उसको अच्छे से आंसर दिया। सर बोले अच्छी बात है, मैं यही पूछना चाहता था क्योंकि ये माँ बाप से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड थी, तो उन्होंने ये पूछा। फिर उन्होंने मैसेज से मेरे बोला कि आपकी डेयरी है तो आप NLM की फुल फॉर्म बता दो, मैंने बता दिया नेशनल लाइफ एनएलएम स्टॉक, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। तो फिर उन्होंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल पूछा, तो मुझे इतनी डिटेल सर नॉलेज नहीं, तो फिर मैंने सर को कहा सर मुझे अभी इसके बारे में इतनी नॉलेज है नहीं, तो मैं इसको आगे प्रिपेयर करूँगा अच्छे से। तो फिर एक फिफ्थ सर थे, तो
तो उनको सर ने ट्रांसफर किया, बस सर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सर उन्होंने बस ऐसे थैंक यू कह दिया था, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर उन्होंने सर जैसे सबने फिर मेरे को थैंक यू कहा, फिर मैंने खड़े होकर थैंक यू मैम, थैंक यू सर, फिर मैं वहाँ चला गया। और जब मैं गेट क्लोज करा था एक बार ऐसे सर सर मुझे देख रहे, तो मैंने ऐसे उनकी तरफ कर दिया था ग्रीट, बस ये था सर। मतलब ओवरऑल अगर वैसे बोलूँ तो इंटरव्यू आपका अच्छा गया। अच्छा गया सर, पर फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इंटरव्यू तो जैसे वो मार्क्स देंगे उनके ऊपर, पर ये मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है। फर्स्ट टाइम नर्वस हो तो मैं तो ये कह रहा हूँ सर, जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम लेने जा रहा है तो बस सबसे ज़्यादा मेन वर्क अपनी नर्वसनेस पे, और वहाँ पे जितना आप काम रहे सर, क्योंकि सर वो हमारा ना नॉलेज देख रहे थे मुझे लग रहा था, ना वो कुछ और देख रहे थे, वो बस हमें देख रहे थे हम कैसे पर्सनैलिटी में है, कैसे उनके क्वेश्चंस के साथ मैं बार डील कर बार रहे बच्चों को हैं। यही चीज बोलता हूँ कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट नॉलेज, क्योंकि नॉलेज से सबका ऑलरेडी हो चुका है, आपका यस सर, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है एक्चुअली। तो यस सर, ये बात तो आपको मतलब फर्स्ट इंटरव्यू से आपको पता चल ही गया है। यस सर, ये कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, अगर आपके ऊपर जैसे मेरे ऊपर प्रेशर था उस टाइम पे, तो कैसे इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ, यही देख रहे थे सर वो मेन। तो ओके। तो जो बच्चे कल या अपकमिंग जो एग्जाम देंगे उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कुछ टिप्स? सर उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको बेस्ट ऑफ लक दूंगा कि इतने अच्छे आगे वो आ चुके हैं सर, हाँ और बस वो थोड़ा सा दूर है, तो अच्छे से अगर उनका फर्स्ट इंटरव्यू है तो काम रहे, बिल सबसे चीज मेन चीज़ तो है अपना शांत माइंड से आराम से एक माउथ पे स्माइल रखें अच्छे से, उनसे अच्छे से डील किए, उनसे अच्छे से विश करें, ग्रीट्स करें, वो आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे, आपकी स्माइल देखेंगे, वैसे ही आपको अच्छे मार्क्स देंगे, मेन आप काम रहें। ओके। अगर मतलब आप बोले थे कि काम अगर काम होके अगर सारा चीजों को हैंडल करें और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से हैंडल करें तो मतलब एक अच्छा मार्क्स मिलने का चांसेस तो है। अगर आप यस दो सर, चार क्वेश्चंस आपको नहीं भी आता तो प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे। कोई दिक्कत नहीं सर, दो चार नहीं भी आए कोई नहीं, वैसे आपको जब तक नहीं आ रहा आप अपने माउथ पे स्माइल रखें अच्छे से करते रहें, कोई ये नहीं कि मुझे नहीं आ रही तो मुझे जज कर रहे हैं, वो आपको ऐसे जज नहीं करेंगे सर, मुझे लगा ऐसा आज के एक्सपीरियंस से। चलिए चलिए, आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया।